मुजफ्फरनगर में आज दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला और संबंधों को अधिक मजबूत बनाने वाला त्योहार करवा चौथ आज है। आज सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत कर रही हैं और शाम को चांद को अध्य देकर छलनी से पति का चेहरा देखकर व्रत तोड़ेंगी। वही कुंवारी कन्याएं मन अनुकूल पति की प्राप्ति के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखकर तारों को देखेंगी, फिर व्रत खोलेंगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं करवा चौथ के व्रत में पड़ी जाने वाली पूरी कथा। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवे ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवनदान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियों करवा चौथ माता के दर्शन करती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति के मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लुटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। जी, हाँ, मेरा नाम पूनम शर्मा है। पूनम जी, आज करवा चौथ का पर्व है, तो किस तरह से मतलब सुहागिन ने कथा सुनी है, व्रत रखे, क्या इसका महत्व? हाँ, ये जो व्रत होता है बहुत पहले से प्रथा चली आ रही है। इसमें पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती है। सुबह से ही व्रत की, बल्कि आप ये देखो सुबह से क्या, कई दिनों से व्रत की तैयारी शुरू हो जाती है। बाजार में शॉपिंग होनी शुरू हो जाती है, मतलब ये श्रृंगार का सामान, साड़ियाँ, कोई लहंगा, कोई किसी तरह से, हर तरह से अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से सब लोग सामान लेते हैं। लेकिन हर किसी, कोई गरीब स्त्री भी है, उसका भी आज के दिन ये होता है कि मुझे आज सबसे सुंदर लगना है, सबसे अच्छा लगना है, तो वो शॉपिंग कई दिनों पहले शुरू कर देती हैं। पार्लरों में भीड़ लग जाती है, मेहंदी होती है, मतलब ये देखो कि मेहंदी भी कल आपने देखा होगा शिव चौक पे कितनी भीड़ थी मेहंदी के लिए भी, जगह जगह मेहंदी की भी बहुत मांग रहती है। और आप ये देखो इसमें क्या होता है, व्रत में सुबह से ही बहुत से घरों में सर्गी दी जाती है, सास द्वारा बहू को सर्गी देते हैं। हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है, सर्गी दी जाती है और फिर व्रत दोपहर में कहानी सुनी जाती है। कोई जल्दी सुन लेता है, कोई देर से, और कहानी सुनी जाती है। रात को चांद देखा है। व्रत का महत्व तो देखो पति की लंबी उम्र की आयु के लिए ही है, पति की, क्योंकि हमने तो शुरू से यही सुना है और यही अब हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि पति की लंबी उम्र हो। और रात को फिर चांद देखकर औरतें अपना व्रत खोलती हैं और अपने भगवान को परमेश्वर रूप में मानकर उनकी पूजा भी करती हैं, आरती भी करती हैं और फिर उनके हाथों से पानी लेकर व्रत खोलती हैं और अपनी सास को बायना देती हैं। और बल्कि जो नई लड़कियाँ, मतलब जिन कि नई नई शादियाँ हुई होती हैं, तो वो लड़की अपने मायके में इस त्यौहार को मनाती है, क्योंकि कहानी में आपने सुना होगा कि जो व्रत जिस लड़के उसने रखा था, बहन, राजा की बहनों ने ये व्रत, तो अपने पीहर में ही थी वो उस टाइम पे, तो उसने वहाँ पे अपने मायके में ये व्रत रखा था, तो वहीं से ये प्रथा चली आ रही है। तो पहल का व्रत ज़्यादातर लड़कियाँ अपने घर में करती हैं और सास के यहाँ से उसका सामान आता है, जो भी गिफ्ट वगैरह